Hi, good morning, my dear student. Today we are going to read again your chapter 5, the next topic, the social, political, and military organization. Today we will continue this paragraph because this is very long paragraph. And in this paragraph we have discussed about that how Genghis Khan established their empire and which type of reform done by him in their army, in their social groups. And we have also read about some the specific word like tama, like kriltai, like noyan. These words you have to learn. It is also discussed in this paragraph. We will start this paragraph. From Genghis Khan's, I mean to say that the fourth paragraph of this topic, the Genghis Khan had already fashioned a rapid courier system that connected the descendant area on his regime, fresh mountain and dispatch riders were placed in outpost at regularly. The specific distance from the maintenance of this communication system, the Mongols nomad contributed a tenth of their herd, either horses or livestock. As provisions, this was called the Kubukur tax levy that the nomads paid willingly for the multiple benefits that it brought. The courier system, Yam, was further the refined after Genghis Khan. Genghis Khan's death and its speed and reliability surprised travelers. It enabled two great Khans to keep a check on the development at the furthest and to their regime across the continental landmass. The conquered people, however, hardly felt a sense of affinity with their new nomadic masters. Dear students, in this paragraph, the Genghis Khan had already fashioned a rapid courier system. This is the specific quality of the Genghis Khan. That you understand the importance of the postal system, courier system. So establish a very fashioned rapid courier system that connected the distant area of his regime. Fresh mountain and dispatch riders were placed in outstop at regularly the space distances. कभी बड़े क्षेत्रों चंगेज खान ने पहले से ही एक फुर्तीली जो हरकारा पद्धति थी उसकी, जो कुरियर सिस्टम था उसका, दूर दराज के स्थानों में परस्पर संपर्क वो उन्हीं के माध्यम से करता था। कुरियर सिस्टम के माध्यम से वो दूर दराज के क्षेत्रों को में कनेक्शन स्थापित करने में सफल हो पाया। अपेक्षित दूरी पर निर्मित सैनिक चौकियां, आर्मी पोस्ट उसने बनाई, उसमें स्वस्थ एवं मजबूत घोड़े रखे, घुड़सवार संदेश वाहक तैनात रहते थे उसमें। इस संचार पद्धति का, इस कम्युनिकेशन सिस्टम का, मंगोलों के यायावर अपने पशु समूहों से अपने घोड़े अथवा अन्य पशुओं का दसा हिस्सा प्रदान करते थे। इट मीन्स इस फैसिलिटी के लिए मंगोल्स पे टैक्स अपने पूरे आय का 10%, इट मीन 10% ऑफ होल इनकम दे हैव टू पे टैक्स एज ए कुबकर, इट मीन्स पोस्टल टैक्स। यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि छोटे छोटे सैनिक छावनियाँ, चौकियाँ बनाई जाती थी, मजबूत घोड़े रखे जाते थे और ये एक जगह से दूसरे जगह तक संदेशों को ले जाने का काम बड़ी तेजी से करते थे। ये व्यवस्था, ये कुबकर व्यवस्था, इसे उगाई या लेवी को अपने स्वेच्छा से प्रदान करते थे, जिससे उन्हें अनेक लाभ भी प्राप्त हुए।
चंगेज खान की मृत्यु के उपरांत इस जो कुरियर सिस्टम थी, खरकारा पद्धति थी, या में भी और सुधार लाया गया। इस पद्धति की गति और विश्वसनीयता यात्रियों को आश्चर्य में डाल देती थी। इसे महान खानों को अपने विस्तृत साम्राज्य में सुदूर स्थानों में होने वाली घटनाओं की निगरानी करने में सहायता मिलती थी। वे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह की परिस्थितियों को समझ लेते थे और उसके आधार पर डिसीजन लेने में वो सक्षम हो पाते थे। अगर इस विजित लोगों को अपने नवीन यायावर शासकों को कोई लगाव नहीं था, जो दूर दराज के जीते गए क्षेत्र थे, उनका अपने किसी भी जो मेन शासक थे उनसे उनका कोई इमोशनली अटैचमेंट नहीं था। 13th सेंचुरी के शुरुआत में युद्धों में अनेक नगर नष्ट कर दिए गए, कृषि भूमि को हानि हुई, व्यापार चौपट हो गए तथा दस्तकारी वस्तुओं का उत्पादन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। सैकड़ों हजारों लोग मारे गए। ये व्यवस्था इस तरीके से काफ़ी नुकसान हुआ। इनकी वास्तविक संख्या कितने में मारी गई यह अतिशयोक्तिपूर्ण तथ्यों के संजाल में फंसी हुई, मतलब काफ़ी बड़ा चढ़ा के लिखा गया है कि बहुत सारे लोगों को मंगोलों ने मारा। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट मंगोल हिस्ट्री, वेयर वी डिस्कस दैट द हिस्ट्री राइटर्स देवर आई मीन टू यूरोपियंस एंड देवर हैव जेलस अगेंस्ट द मंगोल्स, सो दैट्स वाई दे मिस इंटरप्रिटेड द मंगोल्स हिस्ट्री एंड दे क्या किया उन्होंने ऑक्सीमोरन में बढ़ा चढ़ा के इन बातों को लिखा कि बड़ी संख्या में लोगों की हत्या की। इसके परिणामस्वरूप एक अव्यवस्था उत्पन्न हुई। इराक, ईरान के शुष्क पठार में भूमिगत नहरों को, जिन्हें कनात कहा गया, कि नियमित रूप से मरम्मत कार्य संभव नहीं हो पाया। नहरों की मरम्मत न होने से मरुस्थल उस ओर फैलने लगे, मरुस्थलों का फैलाव शुरू हो गया और फिर बहुत बड़ा परिस्थिति विनाश हुआ, जिसे खुरासान के कुछ हिस्से कभी नहीं उबर पाए। खुरासान हमेशा उसे परेशान रहा। द कॉन्कर्ड पीपुल हाउएवर हार्डली फेल्ड अ सेंस ऑफ अफिनिटी विद देयर न्यू नोमैडिक मास्टर्स, इट मीन्स दे हैव नो इमोशनल अटैचमेंट उनके साथ नहीं था। ड्यूरिंग द कंपेन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 13th सेंचुरी, 13th सेंचुरी की शुरुआती दशकों में, पूर्वार्ध में क्या हुए, द वेरियस सिटीज वर डिस्ट्रॉयड, बहुत सारे शहरों को नष्ट किया गया। एग्रीकल्चर लैंड्स लेड वेस्ट, कृषि की भूमि नष्ट की गई, ट्रेड नष्ट हुए, जो स्थानीय उद्योग थे वे बर्बाद हो गए, एंड टेंस थाउजेंड ऑफ द पीपल, और बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए जिनकी संख्या को व्याख्यात नहीं कर सकते, एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते। इन द रिजल्टिंग द इनस्टेबिलिटी द अंडरग्राउंड कैनाल्स जो नीचे की अंडरग्राउंड कैनाल्स थे, कनाल्स थे, मेंटेनेंस उसको ध्यान उस पर ध्यान नहीं रखा जा सका। दैट्स रिजल्ट, ऑब्वियसली रिजल्ट इज नॉट सो गुड एज यू फिल इन टू द डिसरिपेयर द डिजर्ट क्रैफ्ट, और पानी के बहाव के न चलते कारण तेजी से मरुस्थल चारों तरफ फैला। दिस लेड टू एन इकोलॉजिकल द एडवास्टेशंस फ्रॉम विच ए पार्ट ऑफ द खुरासान इट नेवर रिकवर्ड, खुरासान में बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी क्या हुई, डिवास्टेशन हुई, अवनमन हुआ, जो कभी भी नहीं भरा जा सका, उसको सही से नहीं किया जा सका। वंस द डस्ट फ्रॉम द कंपेन हैड सेटल्ड यूरोप एंड चाइना वर्ल्ड द टेरिटरी लिंक्ड इन द पीस एजर्ड इन द मंगोल कॉन्क्वेस्ट पैक्स मंगोलिया मंगोलिका ट्रेड कनेक्शंस द मैच्योर्ड कॉमर्स एंड ट्रेवल अलॉन्ग द सिल्क रोड रीच इट्स पीक अंडर द मंगोल, बट अनलाइक बिफोर द ट्रेड रूट्स डिड नॉट द टर्मिनेट इन द चाइना, दे कंटिन्यूड नॉर्थ इन टू मंगोलिया एंड टू कराकोरम द हार्ट ऑफ द न्यू एम्पायर कम्युनिकेशन एंड एस ऑफ द ट्रेवल वॉज वाइटल टू रिटेन इन द कोहेरेंस ऑफ द मंगोल रिजिम एंड द ट्रेवल वेर गिवेन अ पास पैजा
in Persian, Jarij in Mongolian. For safe conduct, traders paid the barge tax for the same purpose, all acknowledging thereby the authority of the Mongol Khan. This is a very strange matter. Having read this paragraph, we can understand the proper system developed in the Mongol Empire. Trading system. The trade tax was fixed. If the trade tax was given by traders, they had no face any type of difficulties in the trade route. उन लोगों ने पूरी व्यवस्था की. जब सैन्य अभियानों में विराम आया, जब सैन्य अभियान रुके, मिलिट्री कंपेन रुके, तो चीन के बहुत सारे क्षेत्र पे परस्पर एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो गए. मंगोलों की विजय या पैक्स मंगोलिका के बाद उत्पन्न स्थिति से व्यापारिक संबंध परिपक्व हो गए. मंगोलों की देखरेख में रेशम मार्ग, सिल्क रूट पर व्यापार और भ्रमण अपने शिखर पर पहुंच गया. किंतु पहले की तरह अब व्यापारिक मार्ग चीन में ही खत्म नहीं होते थे. वे उत्तर की ओर मंगोलिया तथा नवीन साम्राज्य के केंद्र काराकोरम की ओर बढ़ गए. मंगोल शासन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए संचार और यात्रियों के लिए सुलभ यात्रा आवश्यक थी. सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों को पास, जिसे फारसी भाषा में पैजा और मंगोलियन भाषा में जरीज कहा जाता था, जारी किए जाते थे. इस सुविधा के लिए व्यापारी बाज नामक टैक्स अदा करते थे, जिसका यह तात्पर्य था कि मंगोल शासक की सत्ता वो स्वीकार करते थे. इट मीन्स इमेजिन इन योर माइंड द यूरोपियन हिस्टोरियंस हु ऑलवेज ब्लेम दैट मंगोल्स दे वर बारबेरियंस, दे वर अनसिविलाइज्ड, दे हैव नो मैनर्ड. बट हैविंग सीन द कंडीशन, हैविंग सीन देयर इकोनॉमिक सिस्टम, we can easily understand that they were developed economic trade system, tax system, tax the proper taxation is available in their regime. We have also read the courier system, which play very important role to interconnect their empire one place to other place. In other words, we can say that throughout whole empire from Europe to Asia, they connected with the courier system. It was well developed. It was explained by the contemporary history. एक पूरी व्यवस्था दिखाई देती है हमें, एक पूरा विकास दिखता है हमें. If you will see this map, in this map, you can see the trade routes. The Mongolian campaign under Gangezi Khan, that was indicated by red color. The Mongol company campaign post 1259, और फिर रेशम मार्ग के बारे में दिखाया गया, रेशम मार्ग की दिशा को दिखाई गई है, सिल्क रूट को दिखाई गई है, जो ब्लू कलर से है. आप इन चीज़ों को देखिए, समझिए और फिर आप कल्पना करें कि किस तरीके से भारत का साम्राज्य इतने बड़े क्षेत्रों में रहा होगा. That is the very important things. One who blame, one who questioned on the Mongolian Empire, their whole thought that was biased against, हम कह सकते हैं कि वो पूरी तरीके से पूर्वाग्रह ग्रसित थे, इसलिए वो ऐसा लिख रहे थे, इसलिए उन्होंने इस तरह की बातें अनर्गल प्रलाप की. अब इसके बाद अगर आप देखें तो कहता है the contradictions between the nomadic and the sedimentary element within the Mongol Empire as through the 13th century, in the 1230, the example as the Mongol waged their successful war against the China dynasty. In North China, there was a strong pressure group within the Mongol leadership that advocate the massacre of all peasantry and the conversion of their fields into the pasture land. But by the 1270s,
when South China was annexed the Mongol Empire after the defeat of the Song dynasty, Gangeji Khan's grandson, the Kublai Khan, 1294, appeared as the protector of the Pijin and the cities in the 1290s. The Mongol ruler of Iran, Ghazan Khan, 1304, a descendant of Genghis Khan, youngest son of Tolui, warned family member and other generals to avoid the plunging the peasantry. It did not lead to stable the prosperous ruling, he advised in speech, whose sedentary the overturns would have made the Genghis Khan shudder. Here we have seen that view of the successor that has gradually changed. बदलाव 13th सेंचुरी में मंगोलों ने अपने जो घुमक्कड़ी पेशी थी स्थानबद्ध समुदायों में उनका जो विरोध था वो कम होता गया. इट मीन्स दिस पैराग्राफ वी कैन सी दैट मंगोल रूलर्स टेकिंग इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर, उन्होंने खेती में कुछ ध्यान दिया. कैसे? वो कहता है कि जो आपसी विवाद उनको संपन्न खत्म करने का प्रयास किया. उदाहरण 1230 जो एग्जाम्पल के रूप में नहीं तो 1230 के डिकेट्स में जब मंगोलों ने उत्तरी चीन के चीन वंश के विरुद्ध युद्ध किया और उसमें सफलता प्राप्त की तो मंगोल नेताओं के एक क्रुद्ध वर्ग ने, एक नाराज ग्रुप्स ने, एंग्री ग्रुप्स ने दबाव डालकर यह विचार रखा कि समस्त एजेंट्स की हत्या कर दी जाए. जब मंगोल्स वेन द मंगोल आर्मी कॉन्कर्ड द चाइनीज टेरिटरी द आर्मी जनरल मिलिट्री जनरल्स एंग्री मिलिट्री जनरल्स दे वॉन्टेड दैट अ ग्रेट एसोसिएशन ऑफ द पीजेंट्स इन द चाइनीज एरिया बट द किंग डिनाइड, राजा ने मना कर दिया. उसने कहा कि जब लोगों ने कहा कि समस्त कृषकों को मार डाला जाए और कृषि भूमि को चरागाह भूमि में परिवर्तित कर दिया जाए, परंतु 1270 के डिकेट्स तक आते आते सुंग वंश की पराजय के उपरांत दक्षिण चीन को मंगोल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया, तब चंगेज खान के पोते ग्रैंडसन कुबलई खान, जिनकी मृत्यु 1294 में हुई, ने कृषकों और नगर की रक्षक के रूप में उभरा. कुबलई खान वाज द व्हाट वाज प्रोटेक्टर ऑफ द पीजेंट्स एंड सिटी, एक सिटी और पीजेंट्स के रक्षक के रूप में कुबलई खान क्या हुआ अपने को इंट्रोड्यूस किया. कुबलई खान अपीयर्ड एज द प्रोटेक्टर ऑफ द पीजेंट्स एंड द सिटीज इन द 1290s. द मंगोल रूलर ऑफ ईरान गजान खान 1219, अगर आप देखें 1290s के आसपास या स्पेशली अगर देखें तो गजान खान 1304 जो चंगेज खान के सबसे छोटे पुत्र तोलुई का वंशज था, ने अपने परिवार के सदस्यों और अन्य मिलिट्री जनरल्स को क्या किया, आगाह किया, इंस्ट्रक्शंस दी कि वो किसानों को ना तो लूटें और ना ही उनकी हत्या करें. इट मीन्स क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द ग्रैंड सन ऑफ द चंगेज खान दैट व्हेन द आर्मी व्हेन द मिलिट्री एक्टिविटीज हैपेंड प्लीज डोंट किल एनी पीजेंट्स एंड डोंट लूट देयर प्रॉपर्टी, खेतों को मत बर्बाद करें, डोंट डिस्ट्रॉय देयर फार्मिंग लैंड आल्सो, ना ही उनकी प्रॉपर्टी को लूटें और ना ही किसानों की हत्या करें. ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिया तोलुई वंशज का, जो सबसे छोटे पुत्र तोलुई वंशज का था उसने, गजान खान. तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से बदलाव हो रहे हैं. एक बार अपने भाषण के दौरान गजान ने कहा था कि राज्य के स्थायित्व के लिए, स्टेबिलिटी के लिए एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए किसानों का होना अति आवश्यक है. उसने अपने इस वक्तव्य को स्थानबद्ध ध्वनियों में चंगेज खान की हरण डाल देती है. मतलब इस तरीके जो परिवर्तन दिख रहे हैं वो काफ़ी बड़े हैं. यू कैन सी द स्पीच ऑफ गजान खान. गजान खान की स्पीच को अगर आप देखें तो गजान खान की स्पीच में साफ साफ लिखा है, आई एम नॉट ऑन द साइड ऑफ द
Persian peasantry, if there is a purpose in the plaguing them all, there is no one with more power to do this than I. Let us rob them together. But if you wish to be the creation of collection, grain and food for your tables in the further, I must be harassed with you. You must be taught reason. If you insult the peasantry, take their oxen and seeds and temples, their crops into the ground, what will you do in the future? The obedient peasantry must be distinguished from the peasantry who are rebels. Ghazan Khan, 1295-1394. Pehla Ilkhani shasak tha. There are the first Ilkhani rulers. जिसने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया. गजान खान, गजान खान पहला मंगोल था जिसने इस्लाम धर्म को कबूल किया. उसने अपने मंगोल तुर्की और सेनापतियों को कुछ स्पीचेस दिए. उसने अपने वजीर रसीदुद्दीन को लिखा कि मैं फारस के किसानों के पक्ष में नहीं हूँ, ना मैं उनके हित की बात कर रहा, लेकिन यदि उन सबको लूटने का कोई उद्देश्य है तो ऐसा करने के लिए मेरे से अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं. कहते यदि किसानों को कोई लूटना चाहे तो सबसे पावरफुल हम हैं जो किसानों को लूट सकते हैं, चलो हम सब मिलकर उन्हें लूटते हैं. लेकिन अगर आप निश्चित रूप से भविष्य में अपने भोजन के लिए अनाज और अन्य भोजन सामग्री इकट्ठा करना चाहते हैं तो मुझे आपके साथ कठोर होना पड़ेगा. आपको तर्क और बुद्धि से काम लेना सिखाना पड़ेगा. यदि आप किसानों का अपमान करेंगे, उनके बैल और अनाज के बीज छीन लेंगे, अनाज बैल और उनके बीज उनसे छीन लेंगे, उनकी फसलों को कुचल डालेंगे, तो आप भविष्य में क्या करेंगे? एक आज्ञाकारी किसान या कृषक वर्ग बाद में खुद ही विद्रोही कृषक वर्ग के रूप में अपने को कन्वर्ट कर लेगा और वो दोनों तरीकों से साम्राज्य के लिए नुकसानदायक. इट मीन्स हियर गजाल खान वॉज वेरी मच अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द पीजेंट्स दैट वॉज लूटेड ऑन दैट टाइम. He also aware of that if we will kill the peasants, if we will destroy their farming land, if we will loot at their property, how can it possible that they farming in their land? In future, from which sources we have collected the grains for fulfill our stomach? So that's why, even I am most powerful, even I am able to loot at them, I strictly instruct you, please don't do it. आप ऐसा ना करें. This instruction is in favor of the peasants and the sense of this speech you can understand the stability of the Mongolian empire and the development of the economy. And again from the Gangeji Khan's right itself, the Mongol had recruited civil administrator from the conquered societies. They were sometimes moved around Chinese secretaries deployed in Iran and Persian in China. They helped in the integrating the distant dominions and their backgrounds, and training were always useful in the blunting the harasser age of the nomadic production on the sedimentary life. The Mongol, their masters and these administrators could sometimes command the considerable influence in the 1230s. The Chinese minister Ye Lu Chu Sai muted some of the Ogudois more the rapacious instance
that Giovanni family played a similar role in the Iran to the later half. Rashiduddin drafted the speech of the Ghazan Khan delivered to his Mongol the compatriots, asking them to protect, not harass the peasantry. चंगेज खान के शासनकाल में मंगोलों ने विजित राज्य से नागरिक शासकों को अपने यहाँ भर्ती कर लिया, अपॉइंट किया। उन्हें कभी कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा भी जाता था, ट्रांसफर भी किया जाता था। जो चाइनीज सेक्रेटरी को ईरान और ईरानी सेक्रेटरी को चाइना में ट्रांसफर करके अपॉइंट किया गया। इन परिस्थितियों में जो दूर दराज के राज्य थे को एक साथ यूनाइट करने में उनको मदद मिली। विद्रोह ना हो सके इसलिए उन्होंने ट्रांसफरिंग सिस्टम को चलाया। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मंगोल्स ने स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया। खानाबदोशी लूटमारों की धार कम हो गई। मंगोल शासकों का भी इन पर तब तक विश्वास बना रहता था जब तक ये प्रशासक अपने स्वामियों के लिए कर इकट्ठा करके क्षमता बनाए रखते थे। इनमें से कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटर थे काफ़ी प्रभावशाली थे और अपने प्रभाव का उपयोग खानों पर भी करते थे। उदाहरण के लिए 1230 के दौरान चीनी मंत्री येलो चुत्साई ने ओगोदोई को लूटने वाली प्रवृत्ति को परिवर्तित कर दिया। जुबेनी परिवार ने भी ईरान में 13वीं शताब्दी में क्या किया जुबेनी परिवार ने भी ईरान में 13वीं शताब्दी 13th सेंचुरी में के उत्तरवर्ती चरण लास्ट फेज में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। जो वजीर रशीदुद्दीन ने गजान खान का ही भाषण जो स्पीच आपने सुना जो उसके बारे में चर्चा की उसकी ड्राफ्टिंग तैयार करने का काम रशीदुद्दीन ने ही किया था। जो मंगोल देशवासियों को समझ दिया उसमें उसने कृषकों को सताने के बजाय उनकी रक्षा करने की बात की थी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात स्थानबद्ध रूप से रहने के दबाव मंगोल निवास स्थानों के नए क्षेत्रों से अधिक था। उन क्षेत्रों में जो यायावर के मूल स्टेपी आवास से दूर थे धीरे धीरे 13th सेंचुरी तक आते आते भाइयों के बीच पिता द्वारा अर्जित धन को मिल बांट कर इस्तेमाल करने के बजाय व्यक्तिगत राजवंश बनाने की भावना ने स्थान ले लिया। आई मीन टू से दैट हियर वी हैव सीन व्हाट द डिस्प्यूट कंफ्लिक्ट्स बिटवीन द ब्रदर्स द रॉयल फैमिलीज here we focus to not control and establish the boundary which was established by the Chinggis Khan but also they establish their own dynasty with his own name that is very strange to yahi se mongolon ka patan parabhav dikhai deta hai mongol empire nasht hona shuru ho gaya ab ye log aapas mein apne naam ke vansh ko shuru kar diya bana अब व्यक्तिगत राजवंश बनाने की भावना ने जो स्थान लिया था और हर एक अपने उलूस जिसका तात्पर्य अब क्षेत्रीय यानी अधिकृत क्षेत्र का स्वामी हो गया था यह अंततः उत्तराधिकार के लिए संघर्ष का परिणाम था जिसमें चंगेज खान ने वंशजों के बीच महान पद के लिए तथा उत्कृष्ट चरागाही भूमि के लिए पास्टर लैंड के लिए भूमि पाने की होड़ होती थी। चीन और ईरान दोनों पर शासन करने के लिए तोलोई के वंशजों ने युआन और इल्खानी वंशों की स्थापना की। जोची ने सुनहरा गिरोह गोल्डन हार्ट्स का गठन किया और रूस के स्टेपी क्षेत्रों पर राज किया। चगताई के उत्तराधिकारियों ने तुरान के स्टेपी क्षेत्रों पर राज किया जिसे आजकल तुर्किस्तान कहते हैं दैट इज नोन नाउ दैट टाइम तुर्किस्तान टर्की। यह बात ध्यान देने योग्य है मध्य एशिया चगताई वंश तथा रूस के गोल्डन हार्ट के स्टेपी निवासियों में यायावर परंपराएं सबसे अधिक समय तक चली। तो रीस चेंज इफ विल सी द होल कंडीशन यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर सीइंग द रिजल्ट इज अ वेरी क्लियर द डिसेंडेंट ऑफ द तुलुई हैड कम टू रूल बोथ चाइना एंड ईरान वेयर दे हैड फॉर्म द युआन एंड सेकेंड खानी डायनेस्टीज इल खानिज डायनेस्टीज डिसेंडेंट ऑफ जोची फॉर्म्ड गोल्डन हार्ट्स
and ruled the Russian steppes. The Chagatai successors ruled the steppes on Transoxiana and the land called Turkestan today. The noticeably nomadic traditions persisted longest among the steppes dwellers in Central Asia, descendant of the Chagatai and Russia, the Golden Horse. The gradually separation of the descendants of Genghis Khan into separate lineage groups implied the connection with the memory and traditions of the past family count. Coordinates also alerted. चंगेज खान के वंशजों ने धीरे धीरे अलग होकर पृथक पृथक समूहों में बट जाने का तात्पर्य था कि पिछले परिवार से जुड़ी हुई परंपराएं, पिछले परिवार से जुड़ी सामंजस्य सब में बदलाव चेंज आना। वी विल कंटिन्यू दिस पैराग्राफ अगेन। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर इस पैराग्राफ को कंटिन्यू करेंगे। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय।